हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ बालाजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कल के दिन यानी 19 मार्च के दिन मार्केट की साइड मोमेंटम कर सकता है। तो चलो आप देखेंगे, पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बाद में बैंक निफ्टी का करेंगे। तो हमने कल एनालिसिस कर दिया था, तो कल हमने ये बोला था कि ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, तो ये लेवल काफी अच्छा आज अपना काम किया है। तो ये लेवल था कल का 21,930 या, तो मैं कल के वीडियो में बोला था ये लेवल आपको सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से नीचे आगे जाएगा तो ट्रेड ना लेने का है, तो ये बाइंग जोन है हमारा। तो ये काफी अच्छा काम किया है आज के दिन। तो मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज टू बेरिश था, सुबह सुबह गैप गैप डाउन ओपन हुआ था और मार्केट नीचे आया था फॉल करके इस लेवल तक, और तो यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छा सा बाउंस बैक करके अच्छा खासा ऊपर क्लोजिंग दे पाया है आज मार्केट। तो आज मार्केट में ज्यादा पैसे नहीं बनाए हो गए, तो हमने भी एक पेपर ट्रेड दिया था टेलीग्राम पे, तो मैं दिखा सकता हूँ एक पेपर ट्रेड। तो ये पहला एक पेपर ट्रेड दिया था हमने, इसमें हमारा एसएल हिट हुआ था, जो तो ट्रेड हमें हम जल्दबाजी में लिए थे, तो इसमें एक एसएल हिट हुआ था। तो यहाँ डेली में फ्री पेपर ट्रेड देता रहता हूँ, तो आपको भी अगर पेपर ट्रेड चाहिए तो इस चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो अपन एनालिसिस करेंगे कल के दिन मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकता है। तो मार्केट में आज का जो लेवल है, तो ये लेवल 21,900 का जो लेवल है, ये सपोर्ट लेवल का काम अभी भी कर सकता है, तो ये ध्यान में रखना है, ये सपोर्ट लेवल है हमारा। तो हाई टाइम फ्रेम को जाके मैं बताता हूँ, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर का टाइम फ्रेम अपन देखेंगे पहले। तो वो बड़े टाइम फ्रेम देखने से क्या होता है कि अपने को कंफर्मेशन सही तरह से मिलता है, एनालिसिस करने में मदद होती है। तो ऊपर से हमारे ईएमए आ रहा है 15 ईएमए एक आवर के टाइम फ्रेम में, तो हमारा फर्स्ट टारगेट, अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,100 का। तो ये लेवल ध्यान में रखना है कल के दिन, अगर मार्केट यहाँ साइडवेज या गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल आप में फर्स्ट टारगेट है 22,200 का लेवल मिलेगा। अगर ये भी लेवल कल ब्रेक हो जाता है तो ऊपर के लेवल मिलेगा 22,430 का, उसके ऊपर है 22,500 का। तो दो तो तीन लेवल है, तो मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, क्योंकि हाँ कम टाइम फ्रेम पे हमने हमें ट्रेड करना पड़ता है। तो आज का खास एनालिसिस कोई नहीं है, तो आज का जो डे हाई है वो एक लेवल अपने को मार्क करना है आज के लिए। तो आज का डे हाई है 22,122 का निफ्टी में, और नीचे का सपोर्ट जो कल दिया था मैं सपोर्ट लेवल वही है सपोर्ट, नीचे के 2-3 सपोर्ट लेवल है, ऊपर के रजिस्टर ये मेन रजिस्टर है 22,200 का लेवल है वो मेन रजिस्टर, उसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो 22,430 का लेवल मिलेगा निफ्टी फिफ्टी में। तो निफ्टी में मार्केट यहाँ अगर साइडवेज रहेगा तो यहाँ रह सकता है, यहाँ से थोड़ा बहुत अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो यहाँ से बेरिशनेस आवर एक बार आ सकता है और ये लेवल टेस्ट करने आ सकता है 22,900 का, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये लेवल साइकोलॉजिकल भी लेवल है, 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इस लेवल से अगर बाउंस बैक करेगा तो काफी अच्छा मोमेंटम आने वाला है। ये लेवल ब्रेक होना चाहिए 22,200 का लेवल, अगर कल ब्रेक होता है ऐसे तो ये लेवल ब्रेक होके थोड़ा सा स्विंग बनाने के बाद काफी अच्छा मोमेंटम दे सकता है निफ्टी में, तो काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और थोड़े बहुत न्यूज भी चल रही है, SBI की न्यूज आ रही है, कोर्ट से कुछ चल रहा है उसका, तो थोड़ा इलेक्शन का टाइम है, तो मार्केट में कोई भी न्यूज आएगी तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। तो निफ्टी में कोई ज़्यादा बड़े लेवल्स नहीं है, तो एक मेन लेवल है नीचे का सपोर्ट लेवल, ये लेवल में टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो। तो मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लूँगा, तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस में कल भी हम बताया था ये लेवल तो बहुत स्ट्रांग है, तो ये लेवल पे हमें ब्रेकआउट दिखाया था और ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप कर दिया था आज। तो कल मैं बोला था ये लेवल हमें ट्रेंड लाइन भी आ रही है नीचे से, तो इस लेवल से बाउंस बैक कर सकता है काफी अच्छा सा, लेकिन आज क्या कर दिया मार्केट ने, ये लेवल में इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम या 15 आवर के टाइम फ्रेम में, दोनों भी टाइम फ्रेम में ये लेवल को ब्रेक कर दिया था। तो कल का जो लो था उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया था और काफी अच्छा मोमेंटम भी आ गया, लेकिन जो लोग यहाँ के टारगेट के लिए बैठे थे ये लेवल के टारगेट के लिए, तो वो उनको ट्रैप कर दिया मार्केट ने, तो यहाँ ट्रैप अच्छा सा ट्रैप होके आप ऊपर चला गया और यहाँ से बहुत ज्यादा बार रिजेक्शन लिया है मार्केट में, आपको दिखाई दे रहा होगा कैंडलस्टिक, तो यहाँ ज्यादा सेलर पड़े हैं, तो यहाँ सेलर की स्टॉप लॉस काफी ज्यादा है। अगर कल मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो इनके SL खाने में जा सकता है ऊपर,
अगर इनसे इनके एक्सेल मिलेगी मार्केट को तो काफी बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए आ सकता है कल के दिन। तो ध्यान में रखिएगा, अगर मार्केट ये जोन में कल भी रहेगा तो मार्केट में ट्रेंड नहीं लेना है कल के दिन। अगर ये लेवल अपसाइड के ऊपर निकलता है मार्केट तो काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा अपना साइकोलॉजिकल लेवल 47,000 का, सेकंड टारगेट होगा इस वीक 27,200 का लेवल। ये दो लेवल है, ऊपर तो बहुत बड़ा गैप है, 48,000 तक कोई रजिस्टर भी नहीं है। तो ये अगर इनके एसएल हिट हो गए तो बाइंग साइड के लिए मोमेंटम काफी अच्छा आने वाला है। अगर पुट साइड बैठना है तो हमें तो ये लेवल तो आप ये अपना रजिस्टर लेवल तो कैंसिल हो गया है तो इनको ट्रैप करके दिया था, तो ये लेवल आप यहाँ लगा लीजिएगा। तो पुट साइड ज्यादा ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि पुट साइड ट्रैपिंग ज्यादा दिख रहा है, तो हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा है। ये ब्रेकआउट दिखाया था ट्रेंड लाइन का, ये सपोर्ट लेवल का, और यह ट्रैप काफी अच्छा कर दिया था आज। तो अगर कल यहाँ कहीं आएगा तो बाइंग का और प्लान कर सकते हो, क्योंकि करंट बायर यहाँ बैठे हैं आप, तो इस लेवल के बायर और बाइंग करने का काफी ज्यादा चांसेस है। अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है तो ये छोटे छोटे रजिस्टर सपोर्ट लेवल है नीचे, तो यहाँ बाइंग अपना सेलिंग का ट्राई मत कीजिएगा कल के दिन। जब तक 45,750 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक सेलिंग का प्लान मत कीजिएगा पुट साइड के लिए। आप साइड के लिए प्लान कर सकते हो, काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है आप साइड के लिए। तो मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर दिखाई दे। तो आज को आज के दिन कैसा ट्रैप कर रहा था देखो, ये लेवल तो ये लेवल को ट्रैप करके लो भी ब्रेक कर दिया था। जो यहाँ स्कैल्पिंग करके ट्रेलिंग किए थे एसएल, उनको ही प्रॉफिट हुआ। जो होल्ड करके बैठे थे बड़े टारगेट के लिए, उनको एसएल खा लिया मार्केट ने। और आज मार्केट बहुत साइडवेज था तो आज ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए कोई भी। मैं भी 40 पॉइंट का एसएल खा के बैठा हूँ, एक पेपर ट्रेड दिया था मैं भी तो उसमें, और बाद में हम ट्रेड ही नहीं लिए क्योंकि मार्केट बहुत साइडवेज था। इसीलिए मार्केट में मूव आ रहा था लेकिन रेंज बाउंड था, ये और ये रेंज के बीच में ही मार्केट मूव किया था, इसलिए हमने ट्रेड नहीं किया। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।